जय गुरु। आई एम पूजा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन योगदा सत्संग महाविद्यालय। हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज वीडियो क्लास आई विल एक्सप्लेन यू ऑन द टॉपिक रोल ऑफ सेबी एंड पावर्स ऑफ सेबी, यानी सेबी की भूमिका और सेबी की शक्तियाँ। टुडे आई विल डील विद दिस टू टॉपिक्स। So listen very carefully and try to understand, students. लेट स्टार्ट। रोल ऑफ सेबी, सेबी की भूमिका। सेबी एक्ट एज अ वॉच डॉग फॉर ऑल द कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट्स एंड इट्स मेन पर्पस इज टू प्रोवाइड सच एन एनवायरमेंट दैट फैसिलिटेट एफिशिएंट एंड स्मूथ वर्किंग ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। कहता है सेबी एक वॉचडॉग के जैसा कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट्स को देखती है। और सेबी का मेन पर्पस क्या है? सेबी का मेन पर्पस है एक ऐसे एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करना, ठीक है, जहां स्मूथली और एफिशिएंटली काम हो सके सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड, ठीक है। अब इसी को एग्जीक्यूट करने के लिए, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जहां एफिशिएंटली और स्मूथली काम हो सके सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड, इसके लिए सेबी का फोकस जो है वो थ्री मेन पार्टिसिपेंट्स के तरफ रहता है, ठीक है। टू मेक दिस हैपन इट इंश्योर्स दैट थ्री मेन पार्टिसिपेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट आर टेकन केयर ऑफ, ठीक है। कौन कौन? ईश्वर ऑफ सिक्योरिटीज, इन्वेस्टर एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। अगर इस थ्री पार्टिसिपेंट्स पे जो सेबी का मेजर फोकस रहता है, ठीक है, मतलब सेबी का जो मेन फोकस एरिया ऑफ फोकस एरिया जो कहते हैं वो ये थ्री पार्टिसिपेंट्स के तरफ है, ठीक है। इस पे सेबी का मेन फोकस है, इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम पे सेबी का मेन फोकस है, ठीक है। अब ईश्वर ऑफ सिक्योरिटीज क्या होता है? ईश्वर ऑफ सिक्योरिटीज का मतलब होता है वो बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी जो सिक्योरिटी इश्यू करती है मार्केट में, ठीक है। इन्वेस्टर ऑब्वियसली कौन है? जो इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे को और सिक्योरिटीज परचेज करते हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जैसे आपका शेयर ट्रांसफर एजेंट, ब्रोकर, सब ब्रोकर, ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड सो ऑन। तो ये एक मेडिएटर का काम करते हैं, ये एक लिंक का काम करते हैं इन्वेस्टर और ईश्वर ऑफ सिक्योरिटीज के बीच में, ठीक है। जो इन्वेस्टर डायरेक्टली अपने पैसे को नहीं लगाते हैं, मतलब डायरेक्टली वो डील नहीं करते हैं, ठीक है, तो उनके बिहाफ में कौन डील करते हैं? फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, ठीक है। मतलब इन्वेस्टर उन्हें अब फाइनेंशियल इंटरमीडियरी को अपना पैसा हैंडओवर कर देती है और उसके बिहाफ में फाइनेंशियल इंटरमीडियरी देखते हैं कि कहाँ पे पैसे को इन्वेस्ट करना, कहाँ इन्वेस्ट किया जाए जिससे इन्वेस्टर को मिनिमम रिस्क पर मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। क्लियर है?
अब इसी थ्री पार्टिसिपेंट्स को हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन कि ये थ्री पार्टिसिपेंट्स के लिए सभी का क्या रोल होता है. ठीक है, लेट्स सी. नंबर वन, ईश्वर ऑफ सिक्योरिटीज. अभी मैंने बताया ईश्वर ऑफ सिक्योरिटीज कौन है. लेट्स सी, दे आर कॉरपोरेट एंटिटीज दैट रेज फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेस इन द मार्केट बाय इश्यूइंग सिक्योरिटीज टू द इन्वेस्टर. ठीक है, तो ईश्वर ऑफ सिक्योरिटीज वो कॉरपोरेट एंटिटीज है, वो कंपनी है जो फंड रेज करती है. कैसे? बाय इश्यूइंग सिक्योरिटीज. ठीक है, वो सिक्योरिटीज इश्यू करती है मार्केट में और फंड वो रेज करती है. ठीक है, सेबी मेक्स श्योर दैट दे गेट अ हेल्दी एंड ट्रांसपेरेंट एनवायरमेंट फॉर द नीड्स. ठीक है, अब सेबी का क्या रोल है? सेबी ये इंश्योर करती है कि ईश्वर ऑफ सिक्योरिटीज को एक हेल्दी और एक ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट मिले, एक पारदर्शिता हो. ठीक है, जिससे वो स्मूदली अपने काम को कर सके. ठीक है, सेबी हैज ऑल्सो इशूड सर्टेन गाइडलाइंस एंड रूल्स विच एवरी ईश्वर हैज टू कंप्लाई. ठीक है, सेबी जो है वो गाइडलाइन और रूल्स भी इशू की है. ठीक है, जो गाइडलाइंस और रूल्स हम लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं इन सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ठीक है, उसमें सर्टेन गाइडलाइंस और रूल्स इशू किए हैं सेबी, जो सारे इश्यूअर को फॉलो करना पड़ता है बिफोर इशूइंग सिक्योरिटीज इन द मार्केट और बिफोर लिस्टिंग द शेयर्स इन द रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है, तो वो सेबी ये देखती है कि सारे गाइडलाइंस और रूल्स को भी ईश्वर ऑफ सिक्योरिटीज जो है वो कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है. क्लियर है? नेक्स्ट, इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जो सिक्योरिटीज परचेज करते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे को सिक्योरिटीज मार्केट में. सेबी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स. और इन्वेस्टर्स के प्रति सेबी का मेन रोल क्या है? उनके इंटरेस्ट, उनके राइट को प्रोटेक्ट करना. ठीक है, सेबी प्रोहिबिट फ्रॉड एंड मैल प्रैक्टिसेस इन द सिक्योरिटीज मार्केट. सेबी जो है वो फ्रॉड या किसी भी तरह के मैल प्रैक्टिसेस को रोकती है सिक्योरिटीज मार्केट में. इट टेक्स नेसेसरी एक्शन इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज और इन केस ऑफ फ्रॉड्स एंड मैल प्रैक्टिसेस. और सेबी जो है वो नेसेसरी एक्शन भी लेती है अगर किसी भी तरह का लॉ, रूल्स, गाइडलाइंस का अगर ईश्वर ऑफ सिक्योरिटीज जो है, बॉडी कॉरपोरेट जो है, अगर उसे कंप्लाई नहीं कर रहे तो. ठीक है, या फिर किसी भी तरह के फ्रॉड या मैल प्रैक्टिसेस में भी सेबी प्रॉपर एक्शन लेती है. तो इसका पर्पस क्या है? जिससे सेबी के इंटरेस्ट, सेबी के राइट को प्रोटेक्शन के लिए ये सब स्टेप्स जो है सेबी लेती है. क्लियर है? नेक्स्ट, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज. फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज एक्ट एज अ लिंक बिटवीन ईश्वर ऑफ सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टर्स. ठीक है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जो है वो एक लिंक का काम करती है ईश्वर ऑफ सिक्योरिटीज और इन्वेस्टर्स के बीच में. ठीक है, एज पर सेबी एक्ट 1992, इट इज कंपल्सरी फॉर द इंटरमीडियरीज टू गेट रजिस्टर्ड विद सेबी बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द वर्क इन सिक्योरिटीज मार्केट. तो आपके फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कौन कौन है? जैसे ब्रोकर, सब ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एक्सेट्रा. इन्हें कोई भी वर्क स्टार्ट करने से पहले सिक्योरिटीज मार्केट में इन्हें रजिस्ट्रेशन कराना, रजिस्टर होना सेबी के साथ कंपलसरी है
और जब तक इन्हें सर्टिफिकेट ना मिल जाए कि हाँ वो कमेंट्स कर सकते हैं, काम शुरू कर सकते हैं सिक्योरिटीज मार्केट में, तब तक वो उसके पहले वो किसी भी तरह का काम नहीं कर सकते सिक्योरिटीज मार्केट में। जब सर्टिफिकेट मिल गया तभी वो एज एन इंटरमीडियरी सिक्योरिटी मार्केट में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। क्लियर है? तो विद दिस we have completed role of SEBI. I hope you have understood well. Now I'll start power of SEBI, yani SEBI ki shaktiyan kya kya hain, dekhte hain. SEBI has been vested with the same power as are available to a civil court under the Code of Civil Procedure 1908 for trying a suit in respect of the following matters. कहता है सेबी का सेम पावर है जो एक सिविल कोर्ट का पावर होता है अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ठीक है, किस किस मैटर में? अभी जो हम वन बाय वन पॉइंट्स पढ़ेंगे इस मैटर में सेबी का सेम पावर है जो कि एक सिविल कोर्ट का पावर होता है। क्लियर है? नंबर वन, डिस्कवरी एंड production of books of accounts and other documents at such place and such time as indicated by SEBI, yani lekha pustakon ko pesh karna. Dekhiye, kehta hai SEBI ka power hai ki kisi bhi tarah ke books of accounts, documents, records jo bhi ho, agar wo SEBI ko lagta hai ki uska inspection zaruri hai, theek hai, to uske खोजने के लिए, ठीक है, वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को भेज सकती है, ठीक है, विथ ऑल द पावर्स कि आप उस रिस्पेक्टिव प्लेस में जाके आप ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप खोजबीन करके आप लाएं। ठीक है, तो ये पहला पावर है सेबी का। ठीक है, दूसरा पावर देखते हैं, summoning and enforcing the attendance of person and examining them on oath, yani summon, court notice bhejna evam hazir hone ke liye jor dena. Agar SEBI ko lagta hai ki kisi bhi person, suppose jo listed company hai, theek hai, ab usme kisi bhi tarah ka company jo hai listed company just securities wo list karai hai stock exchange mein, किसी भी तरह का सपोज वो अभी कोई भी रूल्स को वो नॉन कंप्लाई कर रही है, ठीक है, अब सेबी चाहता है कि वहां के डायरेक्टर या जो भी सीईओ है या जो भी है वहां से रिलेटेड जो नॉन कंप्लाई किए हैं उनका फिजिकल अपीयरेंस चाहती है, ठीक है, ताकि फेस टू फेस वो क्वेश्चन कर सके, तो वो भी राइट है कोर्ट नोटिस भेजने का और जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन वो पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा, इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक्स, रजिस्टर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ एनी पर्सन लिस्टेड, नेमली स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर and other such intermediaries associated with securities market, yani pustako ityadi ka nirikshan. Theek hai, to SEBI ka ye bhi power hai ki wo kisi bhi tarah ke books, register ya documents jo hai inspect kar sakte hain, kinka financial intermediary ka, jaise स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, पोर्टफोलियो मैनेजर एक्सेट्रा, और भी जो इंटरमीडियरीज जो सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड हैं उनका। ठीक है, अगर सभी को लगता है कि इट्स कंपलसरी, इट्स नेसेसरी, तो वो इंस्पेक्ट करने का राइट रखते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक्स और रजिस्टर और अदर डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड ऑफ एनी लिस्टेड कंपनी और अ पब्लिक कंपनी विच इंटेंड्स टू गेट इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज।
सेबी जो है बुक रजिस्टर या किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स इंस्पेक्ट कर सकती है लिस्टेड कंपनी का। लिस्टेड कंपनी मतलब वो कंपनी जो अपने किसी भी सिक्योरिटीज को रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराई है, तो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करने का राइट है। और ऐसे किसी भी पब्लिक कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी वो इंस्पेक्ट कर सकती है जो अपने सिक्योरिटीज को एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना चाहते हैं। तो बिफोर लिस्टिंग प्रॉपर स्टडी प्रॉपर वेरिफिकेशन के लिए सेबी को लगता है तो वो इंस्पेक्ट कर सकती है। तो दीज आर द पावर्स ऑफ सेबी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू। जय गुरु।